आज फिर आए हैं कि मिस्टर के एम नजमानी साहब जो कि डायरेक्टर कॉलेज थे 50 में, उनकी कहने थे 2 लाख रुपीज पर ईयर हम देंगे इस कॉलेज, उसमें हम 4 बच्चों को पढ़ाए कि यहाँ एक कैडेट कॉलेज बनाया जाए सिंध में, ताकि सिंध के रूरल के बच्चे, गांव के बच्चे आकर तालीम हासिल करें। उनकी कोशिशों से ये केस चला और गवर्नमेंट से अप्रूवल मिली, और जब जो ही अप्रूवल मिली उन्होंने एक दिन भी ज़ाया किए बगैर मीरपुर खास में एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, उसमें इन्होंने कॉलेज क्लास शुरू की। वरना नॉर्मल ये होता है कि 2 साल लग जाते हैं बिल्डिंग बनने में, टीचर लाने में, करने में, उन्होंने एक दिन ज़ाया किए बगैर क्लास शुरू की। 2 क्लासेज मीरपुर खास में हुई और 1959 में ये कॉलेज स्कॉलरशिप अपनी असल जगह पर, और उस वक्त से इनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टीचर के सिलेक्शन में, प्रिंसिपल के सिलेक्शन में, स्टूडेंट के सिलेक्शन में, कॉलेज को चलाने में बड़ी बात कर रही है। और उनकी विजन से, उनकी वजह से आज ये कॉलेज पाकिस्तान का नंबर 1 कॉलेज है। और इस वक्त हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, अपने कॉलेज की 50 साल हो गए, तो ये हम सब ने कहा कि उस मोहसिन की कब्र पर जाकर जो फातिहा खानी की जाए, उसके खराज तस्वीर पेश किया जाए, उसके वक्त ये दुआ की जाए कि जिसने सिंध को और पाकिस्तान को इतना अच्छा अदारा दिया और इसे स्ट्रॉन्ग बुनियादों पर उसकी बुनियाद रखी। सर 1 मिनट दीजिए, एक मिनट ठीक है, पूरा साइड है क्रेडिट पीछे हुई है, आप पीछे कर रहे यस थैंक यू क्रेडिट्स को भी अजरक Yes, thank you.